अभी हम गाड़ी में बैठेंगे, आप बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आप ही जो है कहिएगा कि मंत्री गाड़ी में बेल्ट नहीं लगा के घूम रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है बिहार में कानून का राज है। नया मुसलमान प्याज ज्यादा खाता है, तो अभी जो गए हैं उस दल में एक दो महीना में उनको पता चल जाएगा। नीतीश कुमार जी को पूरे देश और दुनिया जानता है, उन्होंने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री पटना में पहुंचे थे और उनके साथ में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी आए थे, और ऐसे में अब दोनों लोगों का 1,000 रुपये का पटना पुलिस के द्वारा चलान काटा गया है। उसको लेकर जो बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो बिहार में कानून व्यवस्था है वो सबके लिए एक बराबर है। और वहीं आपको बता दें कि साथ ही साथ RCPC पर भी तंज कसते हुए बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने साफ साफ कह दिया कि जो नया मुसलमान होता है वो ज़्यादा प्याज खाता है। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार, पहले आप इस वीडियो में देखिए। RCPC से कह रहे हैं कौन है नीतीश का जुर्माना लगा है, बागेश्वर वहां पर 1,000 का जुर्माना लग गया है ट्रैफिक की तरफ से। देखिए, आप पत्रकार हैं और आप ही सब कुछ दिखाते हैं। अभी हम गाड़ी में बैठेंगे, आप बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आप ही जो है कहिएगा कि मंत्री गाड़ी में बेल्ट नहीं लगा के घूम रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है बिहार में कानून का राज है और कानून के हिसाब से बिहार में हर काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से चाहे नेता हो, चाहे बाबा हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे जो भी हो, सब लोग, चाहे पत्रकार हो, चाहे जनता हो, चाहे अधिकारी हो, सबको नियम का कानून का पालन। बीजेपी कह रहे हैं मंत्री जी, RCP सिंह कह रहे हैं कि कौन है नीतीश कुमार, RCP सिंह कह रहे हैं कौन है नीतीश कुमार, जीरो हो गई है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं पर्यटक हो गए। उनको अभी अभी नया मुसलमान प्याज ज्यादा खाता है, तो अभी जो गए हैं उस दल में एक दो महीना में उनको पता चल जाएगा। अब उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रह चुके हैं और तार पर चढ़े हुए थे, खजूर पर आके गिरे, अब उससे भी नीचे गिर जाएंगे तभी ना उनको पता चलेगा। राष्ट्रीय पार्टी का ज्वाइनिंग कौन करा रहा है, एक महासचिव राष्ट्रीय स्तर का करा रहा है और वहाँ ज्वाइनिंग करके यहाँ कौन ज्वाइनिंग करा रहा है। उनके जैसे कितने नेताओं का उन्होंने ज्वाइनिंग कराया होगा, जिन लोग ज्वाइन कराए हैं वो उनको ज्वाइन करा रहे हैं, तो उनकी स्थिति तो बद से बदतर होती, प्रमोशन नहीं हुआ। और नीतीश कुमार जी पर लोग कहते हैं कि क्या है, नीतीश कुमार जी को पूरे देश और दुनिया जानता है, उन्होंने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है, पूरे देश में है, पूरी दुनिया में। RCP का प्रमोशन हुआ कि नहीं ये बताइए, RCP जी का प्रमोशन तो देखिए रहे हैं कि वो तार पर से गिर के खजूर पर लटके हैं और वहाँ से गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे आप उनसे। सुशील मोदी कह रहे हैं कि तो अभी आपने देखा जो बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने बागेश्वर धाम वाले बाबा के चलान कटने को लेकर साफ साफ कहा कि बिहार में कानून की राज है और ऐसे में यहाँ पर जितने जो भी लोग हैं तमाम लोगों के लिए जो कानून का जो नियम है जो व्यवस्था है वो सबके लिए एक बराबर है। और आपको बता दें कि साथ ही साथ RCPC पर तंज कसते हुए साफ साफ कहा कि RCPC ताड़ के पेड़ पर चढ़े थे, गिरे तो आके खजूर पर लटके, और अब खजूर से गिरेंगे दो महीना में तो कहाँ जाएंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और वहीं आपको बता दें कि साथ ही साथ श्रवण कुमार ने साफ साफ कह दिया कि जिस पार्टी में वो गए हैं उस पार्टी के जो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके जैसे कितने लोगों को, जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCPC हुआ करते थे तो कितने लोगों को उन्होंने सदस्यता दिलाई थी जदयू में, और भी क्या कुछ कह रहे थे मंत्री श्रवण कुमार, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।